आज आते आते ना मुझे अंशुल से बहुत तेज डांट लगी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 4th of July, जैसा कि मैंने बोला था ये एक्सटेंडेड वीकेंड है, इंडिपेंडेंस डे होता है आज US का, तो छुट्टी है और हम लोग जा रहे हैं प्लेजेंट प्लेरी मॉल, जहां हम कुछ व्लॉग्स पहले भी गए थे। हमें करनी है विंटर शॉपिंग। एक्चुअली आप लोगों ने बोला था, काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि हम थैंक्सगिविंग के टाइम पे करें, उस टाइम पे न्यू स्टॉक आता है, बट हमारे पास ना यहाँ की सर्दी के लिए अभी कुछ भी नहीं है, तो हम लोग ट्राई करें कि थोड़े बहुत जैकेट्स ले लें और उसके बाद मेन जो शॉपिंग करेंगे वो थैंक्सगिविंग पे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना सर्दियाँ सितंबर एंड से ही स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसा लोगों ने हमें बोला है, तो थोड़े बहुत गर्म कपड़े तो हमें चाहिए होंगे ना। इसीलिए अंशुल के पिछली बार मैंने मोटे जैकेट्स लिए थे 2, और इस बार मैं अपने लिए थोड़े मोटे वाले देखूंगी, गोविंग के लिए देखूंगी, तो वही सब अभी लेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि क्या क्या लिया, पिछली वाली शॉपिंग भी आज ही शेयर करूंगी इसी ब्लॉग में और आज वाली भी, तो स्टे ट्यून्ड। और अभी गोविंद से पूछते हैं कि उसकी शॉपिंग लिस्ट में आज क्या क्या है। गोविंद, व्हाट इज देयर इन योर शॉपिंग लिस्ट, व्हाट डू यू वांट टू बाय? स्पिशी बॉल। और कुछ नहीं खरीदना आपको? क्यों? स्पिशी बॉल लेगा गोविंद? अच्छा, सबको एक बार हाय कर दो। हेलो, बाय भी कर दो, फ्लाइंग किस भी कर दो, फ्लाइंग किस करो अच्छे से, थैंक यू। और आज का वेदर ये है कि काफ़ी गर्म है, धूप निकली हुई है, 87 के अराउंड टेम्परेचर है, तो काफ़ी गर्म है आज। मॉल आओ तो टॉय शॉप तो आना ज़रूरी है अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो, और गोविंद को तो ये शॉप याद भी हो गई थी लास्ट टाइम से। आज आते आते ना मुझे अंशुल से बहुत तेज़ डांट लगी है, क्योंकि ना मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे रख के आ गई और भूल गई कि लेके भी आना है। अंशुल को ना मेरे फ़ोन छोड़ के आने से घर पे बहुत चिढ़ मचती है, क्योंकि मैं ना अक्सर फ़ोन छोड़ आती हूँ और वो अगर वो ऑफिस में होते हैं तो कॉल करते रहते हैं और मैं फ़ोन नहीं उठाती, तो क्या कर सकते हैं, गलती तो है मेरी, बट डांट भी पड़ी है मुझे आज बहुत। बस अभी हम लोगों की शॉपिंग वगैरह जो हमें थोड़ी बहुत करनी थी वो हो गई है और अभी हम लोग फूड कोर्ट आकर बैठे हैं। मैं घर से काफ़ी सारा खाना बना के लेकर आई हूँ। ये पोहा है, मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था तो पैक कर लिया। पनीर की सब्ज़ी, चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी मिक्स करके मैं लेकर आई थी और थोड़े पराठे, तो घर का ही खाना खा रहे हैं। और आप शायद देख भी पा रहे होंगे हमारे पीछे एक और इंडियन फैमिली बैठी थी, वो भी घर से खाना बना के लाई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस की मेंटालिटी एकदम सेम रहती है, हम लोग घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर आउटसाइड मील। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद अब घर ही निकलना था, बट वहाँ पर फूड कोर्ट में ही ऐसे छोटे छोटे झूले लगे हुए थे, तो गोविंद को तो इन पे बैठने में बहुत ही मज़ा आता है। और घर आते ही उसने सबसे पहले अपना टॉय अनबॉक्स करवाया है और रजत कर रहा है कि हम उसके लिए कुछ बनाएं, तो ट्राई कर रहे थे कि ट्रैक्टर बनाएं, बट इतना ज़्यादा थके हुए थे कि बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा था कि कैसे बनाएं इसको, तो सिंपल सा एक उसको ये बना कर दिया है हमने व्हील, तो ऐसे ऑन ऑफ कर रहा है और उसको बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, अभी 4:30 बजा है, हम लोग अराउंड 2:30 पर आए थे और आते ही इतना ज़्यादा टायर्ड थे कि सो गए थे, बस जस्ट उठ के आई हूँ। आज हमने ना पता इतना ज़्यादा प्लान किया था कि हम लोग बहुत सारे स्टोर्स जाएंगे, बहुत सारे एक्सप्लोर करेंगे स्टोर्स, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज, 32-33 डिग्रीज टेम्परेचर था और इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी ना कि ऐसा लग रहा था कि सारी एनर्जी हमारी पूरी बॉडी की सक हो रही है। आपने बचपन में वाला ऐड देखा है जो रसना वाला ऐड आता था कि सन अपने मुंह में स्ट्रॉ लगा के पूरी एनर्जी आपकी सक करते हैं, आज लिटरली वही वाली फीलिंग आ रही थी। तो ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि ओपन मॉल है तो घूमना बहुत पड़ता है और गोविंद के साथ तो उतना ज़्यादा घूमना पॉसिबल नहीं था गर्मी में, तो जस्ट थोड़ी सी शॉपिंग करी। रादर हम लास्ट टाइम जब गए थे तो ज़्यादा शॉप करके लेकर आए थे, तो जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा बहुत कर करा के वापस आ गए। और अभी मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ।
गोविंद तो इतना ज्यादा टायर्ड था कि वो आते ही सो गया और अभी भी सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ चलो उसे सोने देती हूँ, तब तक थोड़ा सा हम लोग शांति से चाय पी लेते हैं शाम की अपनी। तो चलो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, आप जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, आई नो। तो सबसे पहले हमने लिया गोविंद के लिए टॉय। अगर बच्चों का टॉय आपने नहीं खरीदा तो समझो आपने कुछ नहीं खरीदा, और बच्चे पूरा किन किन करते रहेंगे, इसीलिए सबसे पहले हम गोविंद को टॉय दिला देते हैं। सबसे पहले हम टॉय शॉप पे गए, उसने वही वहाँ पे कोई टॉय तो पसंद आ नहीं रहा था, तो उसने मैच बॉक्स की जो 5 कार्स का सेट आता है ना वो ले लिया। तो लेने के बाद तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो इधर उधर देख रहा था कि कोई अच्छा टॉय उसे मिल जाए। तो वहाँ पे ना एक स्टॉल लगी हुई थी जहाँ पे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का टॉय रखा हुआ था, और उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत पसंद है, तो फाइनली उसने ये वाला टॉय लिया। और उसी टाइम पे बोलता कि ये कार्स मुझे नहीं चाहिए, ये तो घर पे हैं, ये तो गंदी हैं, तो हमने उसे वहीं की वहीं रिटर्न करा दिया और फाइनली हमने उसके लिए ये बाय कर लिया। और सारी क्लोथिंग की शॉपिंग ना हमने कोलंबिया से की है, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता टिकाऊ मुझे लगता है। हम लोग नॉर्थ फेस भी गए, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव सामान था, लाइक हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती होता एक्सपेंसिव सामान खरीदने का, तो हमने सोचा चलो कोलंबिया हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। तो कोलंबिया से आज मैंने ये जैकेट ली है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये डबल लेयर जैकेट जो होती है, बिल्कुल ट्रेडिशनल, जो शायद आप लोग अगर यहाँ रहते हो तो आपको पता भी होगा, मोटी सी जैकेट है। इसका इनर पार्ट जो होता है ना ये थर्मल होता है, और कहते हैं कि इस वाली जो लेयर से ना जो आपकी बॉडी हीट है वो इंटैक्ट रहती है, वो रेडिएट नहीं होती बाहर की तरफ। और ये डबल लेयर जैकेट होती है, इसमें देखिए एक और जैकेट है, इसको आप डिटैच भी कर सकते हो यहाँ से, ये देखिए ये एक जैकेट है और ये एक जैकेट है। तो ये 3 सीजन जैकेट्स बोलते हैं, लाइक अगर हल्की सर्दी है तो आप ये वाली जैकेट पहन लो, और अगर बहुत हवा है जो कि शिकागो में बहुत होती है तो आप ये वाली जैकेट पहन लो, बहुत ठंड कम है बट हवा ज़्यादा है तो, और अगर दोनों हैं तो आप दोनों को क्लब करके पहनो। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें ना जिपर लगा हुआ है साइड में, तो ये अलग अलग जैकेट नहीं है, एक जैकेट लगती है, लेकिन हैवी बहुत है। तो प्लेन ब्लैक कलर में मैंने ली है। उसके बाद ऐसी ही जैकेट हमने अंशुल के लिए ली थी लास्ट टाइम, इस कलर में। ये सब बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे थी, आई थिंक वी गॉट 60% प्लस 20% ऑफ ऑन ऑल दी स्टफ। तो इसका भी इनर पार्ट इसी तरीके का है, और ये भी देखिए डबल वाली है, इसकी इनसाइड जो जैकेट है वो ये वाला कपड़ा है, थोड़ा अलग टाइप का। और एक उन्होंने ट्रेडिशनल ब्लैक कलर की ली थी लास्ट टाइम, ये देखिए ये बिल्कुल मेरे जैसी है, ये भी डबल लेयर वाली जैकेट है, और इसका जो अंदर वाला जैकेट है वो मेरे वाले जैकेट के जैसे ही है, फर वाला जो कपड़ा होता है ना वैसा वाला है। काफ़ी हैवी जैकेट्स हैं, आई डोंट नो यहाँ पे सर्दियों में कितना सारा अपने ऊपर वजन लेके हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने ये ग्लव्स लिए थे अपने लिए, काफ़ी सस्ते मिले थे मुझे, आई थिंक आई जस्ट पेड $10 फॉर देम। और आज मैंने नॉर्थ फेस पे देखे $25 के बहुत ही पतले वाले ग्लव्स थे, तो मैंने कहा नहीं मेरे ये वाले ज़्यादा बेटर है। गोविंद के लिए मैंने लास्ट टाइम कोलंबिया से ये जैकेट ली थी, बहुत ही पतली है, ये सितंबर तक आई गेस काम आएगी। मुझे ना गोविंद के लिए डबल लेयर वाली जैकेट कहीं नहीं मिल रही अभी, मैंने ओल्ड नेवी चेक किया, मैंने गैप चेक किया, कोलंबिया चेक किया। आप लोग मुझे ज़रूर बताना, जो लोग मुझे शिकागो से देखते हैं, कि आप लोग अपने बच्चों के लिए कहाँ से जैकेट्स खरीदते हैं, क्योंकि मुझे आज उस बेचारे के लिए कुछ भी नहीं मिला, और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता उसी की है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा ठंड पकड़ लेते हैं, उसके लिए मुझे लेना है अभी। लास्ट टाइम मैंने एक ये लिया था अपने लिए, पतला सा है सितंबर वाली ठंड के लिए, या फिर नवंबर दिसंबर में लेयरिंग करने के लिए, डिसेंट सा है, लाइट कलर है। उसके बाद मैंने ये विंडचिटर लिया था अपने लिए लास्ट टाइम, आज इसी कलर में ना डबल वाली जैकेट भी मिल रही थी, जिस जो मैंने ब्लैक कलर की ली है। तो मैं यही सोच रही थी अगर लास्ट टाइम मैंने ये नहीं ली होती ना कोलंबिया से, तो मैं डबल लेयर वाली इस कलर की लेती, बट फिर अब एक कलर की ये वाली थी मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो ट्रेडिशनल ब्लैक ही ले लेते हैं। तो ये बहुत ही पतली है, आई गेस विंड के लिए है ये। और लास्ट टाइम अंशुल ने अपने लिए सॉक्स लिए थे, अगेन आई थिंक $15-20 के थे, और 3 pairs थे, मुझे एग्जैक्ट दाम तो अभी याद नहीं है। और ऐसा पिछली बार हुआ था कि मैं मेकअप स्टोर में गई, बट मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा वहाँ से, बट आई मेड श्योर कि मैं इस बार ऐसा ना करूँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ले लूँ। तो मैंने अपने लिए लिया है ये बेयर मिनरल्स का
आईलाइनर। आजकल ना मुझे बड़ा क्रेज चढ़ा है कलरफुल आईलाइनर लगाने का। आज भी मैं ब्लू कलर का लगा कर गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फंकी कलर ट्राई करते हैं। ये आई थिंक ब्रॉन्ज है, यस दिस इज ब्रॉन्ज, तो काफ़ी सही लगा मुझे। ये देखो ये रिट्रैक्टेबल है, तो शार्पनर वगैरह की ऐसे आपको ज़्यादा नीड नहीं है, और इसके अंदर इनबिल्ट शार्पनर भी है और स्मजर भी है, तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी। अभी मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ, काफ़ी प्रिटी है। थोड़ा सा अगर आपको नो मेकअप मेकअप लुक टाइप कुछ करना है ना, तो उसके लिए मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा है ये। ये देखिए लाइट सा लगा के थोड़ा सा स्मच कर लो तो आई गेस अच्छा लगेगा, तो मैंने ये ले लिया। बेयर मिनरल्स मैं फर्स्ट टाइम कुछ लेकर आई हूँ, उस ब्रांड से मैंने कभी भी कुछ यूज़ नहीं किया, तो मैंने कहा चलो आज लाइनर से ही ट्राई करना शुरू करते हैं। और पता है मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब जैसे ये थैंक्स गिविंग होता है या फिर लेबर्स डे या फिर ये आज की जो 4 जुलाई की सेल थी ना, वो इतनी ज़्यादा ह्यूज नहीं होती। आउटलेट मॉल्स पे अगर आप नॉर्मल डेज में जाओगे ना, तो आपको ज़्यादा सेल मिल जाएगी। जैसे हम लास्ट टाइम गए थे तो हमें ज़्यादा बेटर डील्स मिली थी, हमें 60% ऑफ तो मिल ही रहा था काफ़ी सारे सामान पे, प्लस हम फर्स्ट टाइम उस स्टोर में गए थे तो एडिशनल 25% डिस्काउंट मिला था, आज जो हमें सिर्फ 20% मिला। तो उस दिन हमें ज़्यादा बेटर डील और ज़्यादा अच्छे कपड़े मिल गए थे। आज तो वहाँ पे ना ज़्यादातर समर्स के कपड़े थे। थैंक्सगिविंग के टाइम पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है तो इट इज़ गुड, क्योंकि बेस्ट बाय पे बहुत अच्छी सेल लगती है। अदरवाइज कपड़े या मेकअप में ना मुझे ऐसा लगता है कि आप डेली जाओ और डेली टाइप वहाँ पे कुछ ना कुछ सेल तो आपको मिल ही जाएगी। हाँ शेफोरा पे अच्छी सेल रहती है थैंक्सगिविंग पे, तो मैं ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि एक बार चक्कर तो ज़रूर लगा लूँ। तो अभी शाम का टाइम है और हमने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर जाते हैं, थोड़ा फायरवर्क्स देखते हैं, और आज हमें आसपास कहीं पे भी फायरवर्क्स पता ही नहीं चला कि कहाँ पर हो रहे हैं। तो फाइनली हम लोग थोड़ा सा गोविंद को पार्क में खिलाने के लिए ले आए, क्योंकि जाते जाते रास्ते में ही हमें पार्क दिख गया, और ये काफ़ी अच्छा पार्क था, काफ़ी अच्छे अच्छे स्विंग्स थे यहाँ पर, स्लाइड्स थी, तो गोविंद ने तो काफ़ी इन्जॉय किया। और बाद में हमने फायरवर्क्स देखे अपने घर से ही, पैटियो से ही काफ़ी अच्छे दिखे फायरवर्क्स, बट आई एम सॉरी मैं वो कैप्चर आप लोगों के लिए नहीं कर पाई। 4th of July के बहुत अच्छे फायरवर्क्स हुए हैं आज। मैंने ट्राई किया कि मैं कैप्चर करूं, बट अंधेरे में ना वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो मैं पूरा फायरवर्क एंजॉय कर लेती हूं, अभी रिकॉर्ड नहीं करती। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूं आप लोगों को ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, हॉल पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर मुझे पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़िएगा, और फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाय बाय।